ऑरेंज छोटे छोटे देसी वाले देखिए कितने प्यारे Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आपकी सैसी स्वाति and I hope आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो और तंदुरुस्त हो. So guys, जिन्होंने मेरी last video अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा मेरे in-law grandfather he has passed away and मैं वैसे सूरत में रहती हूँ. अगर आप मेरे को first time watch कर रहे हैं तो yes, I stay in a small village in Surat और अभी मैं आई हूँ रुड़की क्योंकि मेरे इन-लॉज जो है मेरी पूरी इन-लॉ की फैमिली रुड़की में रहती है. तो एकदम से बिकॉज डेथ इज़ समथिंग जो आपको कभी नहीं पता किसको कब आ जाए, चाहे आप यू कैन नॉट यू नो पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो. लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं. तो जब एकदम से हुआ ये सब चला तो 13th of December मॉर्निंग में अराउंड 12 बजे दादाजी पास्ड अवे एंड उसके बाद हम लोग फटाफट से हमने फ़्लाइट वगैरह करी और हम रुड़की आ गए. तो पहले से कुछ वीडियो थी जो ऑलरेडी स्केड्यूल थी, कुछ ऐसा था कि मैंने प्लान आउट कर रखा था क्योंकि हर मंथ का मैं पहले से डिसाइड करके लगती हूँ कि मुझे ये वीडियो बनानी है, ये पोस्ट करना है. तो क्रिसमस की बहुत सारी वीडियोज़ प्लान कर रखी थी बट देन समटाइम वी जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता है. तो एकदम से फिर मुझे ऐसा हुआ कि अब मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी. बट अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यू आर लाइक इन टू यूट्यूबिंग बिकॉज ऑफ योर पैशन तो आप ज़्यादा दिन यूट्यूब को स्किप नहीं कर सकते हैं. तो मेरे पास अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ मीन्स नहीं है वीडियो एडिट करने के, देन पोस्ट करने के लिए डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है. तो बट स्टिल आई थॉट कि मैं एक छोटा सा एक दो व्लॉग आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जस्ट टू कीप यू यू नो कनेक्टेड विद मी. आज मैंने सोचा है कि आज मैं आपको अपने इन-लॉज के घर में जो उनका छोटा सा किचन गार्डन है, क्योंकि आजकल हम जितनी भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो सारी की सारी किचन गार्डन से आ रही हैं. तो मुझे लगा थोड़ा सा जो उन्होंने किचन गार्डन वगैरह बनाया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी. सो चलो आपको ले चलती हूँ अपने इन-लॉज के घर के किचन गार्डन में. जैसे घर के खाने का एक अलग ही स्वाद होता है वैसे ही घर की सब्जी का भी एक अलग ही स्वाद होता है. ये सब हमने खा लिया है. ये यहाँ पर पालक लगी हुई थी पूरी. ये है बैंगन का प्लांट जिसको हम एग प्लांट भी कहते हैं या ब्रिंजल कहते हैं. और अभी इसमें फूल आ रहे हैं, अभी इसमें बैंगन लगना शुरू नहीं हुआ है. मोस्टली जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लग गई हैं, मूली हो गया, राय हो गया, सरसों. और ये है आपका लेमन का प्लांट. लेमन के एक दो प्लांट्स हैं, इसमें तो अभी लेमन नहीं आया है और इसमें आ गया है लेमन. तो ये है धनिया जिसकी रोज हम धनिया चटनी बना रहे हैं पुदीना मिलाकर. और ये है हरी हरी तीखी मिर्च जो बहुत जल्दी लाल, बहुत तीखी है, बहुत ही ज्यादा तीखी है. मतलब एक भी डाल दोगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है. ये है मूली के पत्ते, इसमें मूली के बन रहे हैं परांठे और उसके जो पत्ते हैं इसकी लीव्स की बन रही है हरी हरी सब्जी जो यूजुअली हम रोज दाल के साथ सब्जी बनाते हैं हरी हरी, तो वो खाते हैं. ये है पुदीना जिसको हम कहते हैं मिंट, रोज चटनी बनती है, चटनी में डलता है पुदीना. ये मूली के पत्ते हमने खा लिए हैं. ये छोटा सा मैंगो का पेड़ क्योंकि माँ पापा लोग अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ, 1-1.5 साल ही हुआ उनको तो अभी लगाया उन्होंने पेड़. होपफुली जल्दी बड़ा हो जाएगा, उसमें आम के फल आएंगे. ये हैं ऑरेंजेस, तो ये अभी कुछ कुछ पकना शुरू हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं. ये हम फ्रूट्स के साथ फ्रूट चाट बनाते हैं फिर खाते हैं इनको. तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ किचन में और दिखाती हूँ हम क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या इस किचन गार्डन से बना रहे हैं. जो छोटा सा किचन गार्डन था ये मेरे ससुराल में. अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन गार्डन की. यहाँ सब्जी बन रही है चाट, ये किचन गार्डन से नारंगी लेके आए हैं छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं और ये बना रहे हैं. यहाँ पर बन रही है किचन गार्डन की मूली के पत्तों की सब्जी और साथ में किचन गार्डन
से नारंगी, छोटी छोटी ऑरेंजेस बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं ये। फ्रूट चाट खाएंगे अभी किचन गार्डन का। सो या गाइज, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अभी अगर मुझे जब भी कभी टाइम लगेगा, मैं आपके साथ छोटे छोटे व्लॉग्स के साथ आती रहूँगी। आपको यहाँ के जो भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगेंगी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, आपके साथ डेफिनेटली शेयर करती रहूँगी। वीडियो जब पोस्ट करूँगी तो उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह और ये थंबनेल वगैरह शायद से मैं एडिट मतलब पोस्ट ना कर पाऊँ। And but I'll make my vlogs deep from my heart as I always do. Or so actually bas itna hi guys. Catch you next time with some other story. Till then you stay fit and stay happy. Ta ta ta.